अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरी वन कैसे हैं आप सभी बच्चों बेटा इन लास्ट लेक्चर वी हैव डन स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया आपको याद होगा हम यू बैक्टीरिया पढ़ रहे थे और उसमें हमने लास्ट लेक्चर में ग्रैम स्टेनिंग पढ़ी थी कि किस तरह से जो ग्रैम पॉजिटिव और ग्रैम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो आपस में डिफ़र करते हैं इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट न्यूट्रीशन इन बैक्टीरिया मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है बैक्टीरिया में बैक्टीरिया किस तरह से अपना फ़ूड ऑप्टेन करता है कौन कौन से मेथड्स हैं कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जिनसे वो अपना फ़ूड ऑप्टेन करता है तो बच्चों बैक्टीरिया जो है दे कैन बी ऑटोट्रॉफ्स एंड दे कैन बी हिट्रोट्रॉफ्स ठीक है ऑटोट्रॉफ हिट्रोट्रोफ आपको पता है ओटोट्रोप्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चों जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं ठीक है तो बैक्टीरिया जो होते हैं बच्चों कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं एंड सम बैक्टीरिया दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड ठीक है तो ऑटोट्रॉफ्स में बच्चों फिर ऑटोट्रॉफ्स जो हैं दे कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इन टू टाइप्स इनको हम फर्दर कैटेगराइज कर देते हैं दो पार्ट्स में दैट इज़ वन इज़ फोटो ओटोट्रॉप एंड अनदर वन इज़ कीमो ओटोड्रोप्स तो जो फोटो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं बच्चों जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है फोटो देट मीन्स दे डिपेंड ऑन लाइट दे यूज़ लाइट टू प्रोड्यूस देअर फूड जबकि जो कीमो ऑटोट्रॉफ्स होंगे बच्चों जो कीमो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं दे यूज़ केमिकल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ देयर फूड ठीक है तो जो लाइट का यूज़ कर रहे हैं उनको हम क्या कह रहे हैं फोटो सिंथेटिक ऑटोड्रॉप्स और फोटो ऑटोड्रॉफ्स ठीक है तो इनके पास क्या होता है बच्चों लाइट लाइट यूज़ करते हैं तो इनके पास लाइट रिसीविंग कंपाउंड्स होते हैं लाइट ट्रैपिंग कंपाउंड्स होते हैं जो लाइट को रिसीव करके ट्रैप करके अपना फूड का फॉर्मेशन करते हैं तो जो लाइट रिसीविंग कंपाउंड्स होते हैं पिगमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं बच्चों इसमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो वर्डिन ठीक है जिस तरह से प्लांट्स के अंदर हमें पता है क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो कि लाइट को क्या करता है ट्रैप करता है और अपना फूड प्रोसेस फूड फॉर्मेशन करता है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस इसी तरह से जो बैक्टीरिया होते हैं जो फोटो होते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं उनके पास पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो लाइट को रिसीव करते हैं और क्या करते हैं फूड का फॉर्मेशन कराते हैं तो ये जो पिगमेंट्स होते हैं कौन से हो गए बच्चों बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो वर्डिन ठीक है नेक्स्ट क्या है इसमें देखिए ये तो हो गए इसके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस में दूसरा क्या होता है बच्चों जिस तरह से प्लांट्स हम प्लांट्स के साथ कंपेयर करेंगे इनको जिस तरह से हमें पता है प्लांट्स क्या करता है लाइट को रिसीव करता है और ऑक्सीजेनिक फोटो शो करता है ऑक्सीजेनिक क्या होता है बच्चों हमें पता है अगर मैं नॉर्मल हम फोटो प्रोसेस की बात करूँ फोटो रिएक्शन की बात करूँ जो यू में होता है जैसे कि प्लांट्स में होता है तो उसमें हम देखते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वोटो के साथ कंबाइन करता है और ग्लूकोज बनाता है लेकिन इस केस में यहां क्या होगा बच्चों ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन रिलीज होती है यूकैरियोट्स में प्लांट्स में भाई नॉर्मल अगर मैं फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन है अगर उसकी बात करूं तो वो क्या होती है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन ऑक्सीजन रिलीज होती है किसमें प्लांट्स में लेकिन यहां पे क्या होता है यहां जो फोटोसिंथेसिस होती है वो नॉन ऑक्सीजेनिक है या हम कह सकते हैं एन ऑक्सीजेनिक विदाउट ऑक्सीजन यहां कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ ना कि वाटर के साथ केस ऑफ बैक्टीरिया ठीक है तो यहाँ क्या होगा जो ये हाइड्रोजन सल्फाइड है ये हाइड्रोजन जो होती है ये रिड्यूस करती है किसको इस कार्बन डाइऑक्साइड को किस में रिड्यूस कर देती है ग्लूकोज में और वहाँ ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही थी बट यहाँ क्या है बच्चों सल्फर रिलीज़ होती है तो हम कह सकते हैं कि ये जो फोटोसिंथेसिस यहाँ हो रही है वो कैसी है नॉन ऑक्सीजनिक विदाउट ऑक्सीजन ठीक है प्लस वी नीड हाइड्रोजन आयन अभी मैंने बताया कि ये जो एच टू एस है हाइड्रोजन सल्फाइड है ये हेल्प करता है क्या कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने में ग्लूकोज़ बनाने में ठीक है तो यहाँ जो हाइड्रोजन आयन है दैट इज यूज फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ये हाइड्रोजन आयन तो यूज हो ही रहा है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए प्लस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो हैं जो लाइट को रिसीव करेंगे वो कौन से हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो वर्डिन प्लस ये नॉन ऑक्सीजेनिक है नॉन ऑक्सीजेनिक मैंने बताया आपको अभी यहाँ ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी ऑक्सीजन की जगह क्या रिलीज हो रहा है सल्फर क्योंकि नॉर्मल जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है बच्चों उसमें हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके ग्लूकोज बना देता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है लेकिन यहाँ क्या है ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रही यहाँ क्या हो रहा है वॉटर की जगह हम हाइड्रोजन सल्फाइड ले रहे हैं एंड एज ए रिजल्ट सल्फर इज रिलीज ठीक है तो आई थिंक आपको ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ समझ में आ गया होगा नाउ मूविंग टू कीमो ऑटोट्रॉफ्स तो जो जो बैक्टीरिया केमिकल्स को यूज़ करके अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चों उनको हम क्या कह देते हैं कीमो ओटोड्रॉफ्स उनको हम क्या कह देते हैं कीमो ओटोड्रॉफ्स ठीक है तो यहाँ क्या होगा यहाँ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते क्योंकि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का काम क्या था बच्चों लाइट को रिसीव करना तो यहाँ तो वो लाइट की हेल्प से नहीं कर रहा ना वो केमिकल्स यूज़ करके अपना फूड ऑप्टेन कर रहे हैं प्रोड्यूस कर रहे हैं ठीक है तो यहाँ जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं एबसेंट होते हैं ठीक है तो अब लाइट की जगह क्या यूज कर रहे हैं वो केमिकल एनर्जी यूज करते हैं फूड को प्रोड्यूस करने के लिए ठीक है और ये जो एनर्जी ऑब्टेन हो रही है यहाँ जो हम केमिकल्स यूज कर रहे हैं वो कैसे होंगे क्या तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे तो हम इनको फर्दर डिवाइड कर देते हैं की, कीमो को ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कंपाउंड्स दे आर यूज्ड यूजिंग फॉर ऑप्टेनिंग एनर्जी वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड यूज़ कर रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज कर रहे हैं। हम आगे पढ़ेंगे उनको भी हम उसी बेसिस पर हम फर्दर इनका डिविजन कर देते हैं कीमो ओटोट्रॉफ्स का ठीक है तो आई थिंक आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा दोनों में कि भाई यहां तो लाइट रिसीव कर रहे हैं यहां केमिकल यूज़ कर रहे हैं इसीलिए यहां लाइट रिसीव करते हैं तो यहाँ फोटो सिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं इस केस में फोटो सिंथेटिक पिगमेंट्स आर एबसेंट ठीक है यहाँ लाइट से अपनी एनर्जी ऑप्टेन कर रहे हैं यहाँ केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं ठीक है नेक्स्ट देखिए फोटो सिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स हम बात कर रहे हैं बच्चों फोटो सिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स की दीज फोटो सिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड फोटो फोटोलिथोट्रोप्स एंड फोटो ऑर्गेनोट्रोप्स ठीक है इनको हम फर्दर क्लासीफाई कर देते हैं किसमें फोटो फोटोलिथोट्रॉप्स में और फोटो फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स में अब देखिए किस बेसिस पर हमने इनका डिवीजन किया है फोटो फोटोलिथोट्रॉप्स एंड फोटो फोटो ऑर्गो ऑर्गेनोट्रॉप्स यहाँ जो है बच्चों फोटो फोटोलिथोट्रॉप्स के केस में जो हाइड्रोजन डोनर होगा दैट मीन्स जो हाइड्रोजन हम यूज़ कर रहे हैं रिडक्शन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन के लिए यहाँ जो हाइड्रोजन डोनर है वो हमारा क्या है बच्चों इनऑर्गेनिक सल्फ़र है ठीक है यहाँ जो हाइड्रोजन डोनर है वो कैसे कंपाउंड्स होंगे जो कि इनऑर्गेनिक सल्फर को कंटेन करते हैं फॉर एग्जांपल थायोसल्फेट फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन सल्फेट अभी मैंने एक रिएक्शन लिखी थी पीछे आपको याद होगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एच तो यहाँ जो हमारा हाइड्रोजन डोनर है वो कौन है हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फेट हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर थायोसल्फेट ठीक है तो ये कैसे कंपाउंड है बच्चों ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ये कैसे कंपाउंड होते हैं इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मतलब विदाउट कार्बन एंड हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होती इसमें पता है ना आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं जो कार्बन हाइड्रोजन कंटेनिंग होते हैं ठीक है तो यहाँ जो हाइड्रोजन सल्फाइड है थायोसल्फेट है उसमें हाइड्रोजन कार्बन प्रेजेंट नहीं है ठीक है तो ये कैसे कंपाउंड्स हो गए इनऑर्गेनिक ठीक है इनके एग्जाम्पल क्या है फॉर एग्जाम्पल योर पर्पल सल्फर बैक्टीरिया ठीक है जो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया होता है वो हमारा किस कैटेगरी में आता है बच्चों जो फोटो में ठीक है उसमें भी फिर एग्जाम्पल दे रखा है हमारा क्रोमेटियम ठीक है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया क्लोरोबियम थायरो थायोथ्रिक्स ये क्या है बैक्टीरिया के एग्जाम्पल हैं तो ये जो बैक, बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं ये फोटोसिंथेटिक फोटोसिंथेसिस uh, तो शो कर रहे हैं फोटोसिंथेटिक सिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स हैं लेकिन फोटोसिंथेटिक सिंथेटिक में भी कौन से फोटोलिथोट्रॉप्स लिथोट्रॉप्स मीन्स जो इनऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड्स को यूज़ करेंगे जैसे कि हाइड्रोजन सल्फेड और थायोसल्फेड ठीक है नेक्स्ट आता है बच्चों इफ द हाइड्रोजन डोनर कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक वंस अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल आइसोप्रोपाइल एल्कोहल अमीनो एसिड फैटी एसिड्स ये सारे क्या हैं बच्चों इनमें कार्बन और हाइड्रोजन का प्रेजेंट होती है ठीक है अमीनो एसिड्स की अगर मैं बात करूँ कार्बन हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है फैटी एसिड्स भी क्या होते हैं हमारे कार्बन हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं लिपिड्स होते हैं नहीं ठीक है तो ये जो कंपाउंड है हमारे ये कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं अगर इनके हेल्प से वो अपना फूड प्रिपेयर कर रहा है तो वो क्या कहलाएंगे बच्चों फोटो ऑर्गेनो ट्रॉफ्स ठीक है लाइट तो यूज़ होगी लेकिन यहाँ हाइड्रोजन डोनर कौन है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ठीक है जैसे कि एग्जांपल इसमें आ जाते हैं तुम्हारा पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया एक तरह का टाइप हो गया पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया और एग्जांपल क्या है इसका रोडोस्पायरेलम ठीक है तो ये हो गया बेटा हमारा फोटोलिथोट्रॉफ्स एंड ऑर्गेनोट्रॉफ्स बहुत सिंपल सी बात है देखिए लिथोट्रॉफ्स में जो हाइड्रोजन डोनर है वो क्या है इनऑर्गेनिक सल्फर है सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड है यहाँ कैसे हो गए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए ठीक है थीके? चलिए अब हम आते हैं कीमोसिंथेटिक सिंथेटिक पे देखिए जो कीमोसिंथेटिक सिंथेटिक ओटोट्रॉप्स हैं उनको भी हमने फर्दर डिवाइड कर दिया कीमोलिथोट्रॉप्स और कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स बहुत सिंपल है सेम वही बात है बच्चों जैसे हमने फोटो में पढ़ा था लिथो जो है किसको डिनोट कर रहा है ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कीमो ऑर्गेनिक यहाँ जो सोर्स यूज़ हो रहा है वो क्या है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ठीक है तो यहाँ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हेल्प से एनर्जी रिलीज़ हो रही है ऑप्टेन हो रही है यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हेल्प से और ए, ए, एनर्जी रिलीज़ हो रही है ठीक है इसके अंदर मेनली हमारे सल्फर बैक्टीरिया नाइट्रो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्राइड बैक्टीरिया जो हम नाइट्रोजन फिक्सेशन भी हमने पढ़ा था तो उसमें आपको याद होगा हमने नाइट्रोसोमोनाज नाइट्रोबैक्टर ये पढ़े थे जो नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करते हैं ठीक है तो वो हमारे आ जाते हैं बच्चों कीमोलिथोट्रॉप्स में क्योंकि वो किस पे किसको यूज़ कर रहे हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ठीक है और लाइट का यूज नहीं कर रहे यहाँ जो हमारा हाइड्रोजन हम यूज कर रहे हैं हाइड्रोजन सोर्स दैट इज केमिकल्स ठीक है फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ सल्फर बैक्टीरिया सल्फर बैक्टीरिया में क्या हो जाएगा बच्चों ये क्या करता है हाइड्रोजन सल्फाइड को किस में कन्वर्ट कर देता है सल्फर में और वाटर में और इससे क्या कर रहा है एनर्जी ऑप्टेन कर रहा है ठीक है तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका हाइड्रोजन सल्फाइड कंपाउंड का जो कि एक कैसा है इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ठीक है फॉर एग्जाम्पल था बेसिलस सेकेंड आता है बच्चों नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया यहाँ जो हमारा कंपाउंड यूज हो रहा है वो कैसे है नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स तो इन नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स का ऑक्सीडाइज करके वो क्या करता है अपनी एनर्जी ऑप्टेन करता है फूड ऑप्टेन करता है यहां देखिए कुछ बैक्टीरिया होते हैं बच्चों जो अमोनिया को ऑक्सीडाइज करते हैं और नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देते हैं ठीक है तो अमोनिया से जब वो नाइट्राइट में कन्वर्ट हो रहा है तो वो बैक्टीरिया क्या कहलाता है हमारा नाइट्रोसोमो नाज और इस तरह से वो एनर्जी ऑप्टेन कर रहे हैं तो ये अमोनिया हो गया <coughs> नाइट्रोजनस कंपाउंड हो गए हाइड्रोजन सल्फाइड हो गए ये सारे कैसे कंपाउंड है बच्चों इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और ना तो यहाँ पे लाइट यूज़ हो रही है तो ये कैसे हो गए केमिकल कंपाउंड्स हैं तो इसलिए हम इनको क्या कह रहे हैं कीमोट्रॉप्स और लिथोट्रॉप्स क्यों बोल रहे हैं क्योंकि ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं अगर case, इन केस हम इनऑर्गेनिक की जगह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज़ करते हैं और एनर्जी ऑप्टेन कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा बच्चों कीमो ऑर्गैनो ट्रॉफ्स ठीक है क्या कहलाएगा वो कीमो ट्रॉफ्स। तो यहां हम देख रहे हैं कि कीमो ट्रॉफ्स में आपकी एक ही कैटेगरी आती है दैट इज मिथेनो बैक्टीरिया मिथेनो बैक्टीरिया क्या करता है बच्चों मिथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होते हैं ये और मीथेन को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में ठीक है आपको याद होगा बायोगैस प्लांट पढ़ा था आपने जिसमें गोबर गैस का प्रोडक्शन होता है बायोगैस का प्रोडक्शन होता है तो जो बायोगैस का प्रोडक्शन हो रहा है उसमें कौन से बैक्टीरिया काम करते हैं मिथेनो मोनाज जो मिथेन बैक प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होते हैं ठीक है ये क्या करते हैं मिथेइन को किस में कन्वर्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और अपनी एनर्जी ऑप्टेन करते हैं ठीक है बच्चों तो ये तो कुछ एग्जाम्पल्स हो गए हमारे कीमो ऑर्गैनोट्रॉप हो गया कीमोलिथोट्रॉप्स हो गया ये सारे क्या कहलाते हैं ऑटोट्रॉफ्स और अगर मैं बात करूँ हिट्रोट्रॉफ्स की दैट मीन्स दोज बैक्टीरिया विच डिपेंड ऑन अदर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ देयर फूड दे आर नोन एज हिट्रोट्रॉफ्स तो हिट्रोट्रॉफ्स में आपने नॉर्मली पढ़ा भी होगा बच्चों सेप्रोट्रॉफ्स आ जाते हैं आपके पैरासिटिक बैक्टीरिया आ जाएंगे सिम्बायोटिक आ जाएंगे ठीक है तो इस तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं वो अपना फूड ऑप्टेन करते हैं किससे डेड ऑर्गेनिक मैटर से या लिविंग ऑर्गेनिक मैटर से दैट मीन्स दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस देयर ऑन फूड दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट ठीक है जिसमें पहली कैटेगरी आती है बच्चों आपकी सेप्रोट्रॉफिक तो जो सेप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होंगे जो बैक्टीरिया होंगे वो क्या करते हैं जो दूसरे डेड पार्ट होता है जो ऑर्गेनिक मैटर होता है जो तुम्हारा जैसे दूसरे कंपाउंड्स हैं वो डेड हो गए हैं डीके हो गए हैं तो उनसे अपना फूड ऑप्टेन करते हैं दे आर नोन है, है सेप्रोट्रॉफ्स अब देखिए उस सेप्रोट्रॉफ्स में भी दो कैटेगरी आ जाती है बच्चों वन इज योर ऑब्लीगेट और फैकल्टेटिव ऑब्लीगेट वर्ड आपको याद होगा सुना सुना लग रहा होगा आपको ऑब्लीगेट का मतलब होता है बच्चों कंपल्सरी मैंडेटरी ठीक है दैट मीन्स यहाँ जो सोर्स ऑफ फूड है वो सिर्फ डेड ऑर्गेनिक मैटर है उसके अलावा कोई सोर्स ऑफ फूड प्रेजेंट ही नहीं है इस तरह के बैक्टीरिया सिर्फ और सिर्फ डेड पार्ट पर ही फीड कर सकते हैं ठीक है इसीलिए हम कहते हैं कि दे आर कंप्लीटली सैप्रोट्रॉफिक ठीक है ये टोटली totally क्या है सेप्रोट्रॉफ्स हैं ये ये इनका जो फूड ऑप्टेन करने का तरीका है दैट दे ऑप्टेन फूड ओनली एंड ओनली फ्रॉम द डेड पार्ट ऑफ द मैटर ठीक है फॉर एग्जाम्पल बेसिलस वेरिस क्लोस्ट्रेडियम ब्यूटेलिकम ठीक है तो ये दो एग्जाम्पल दिए हैं इस तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं उनका सोर्स ऑफ फूड सिर्फ क्या है डेड ऑर्गेनिक मैटर ठीक है नेक्स्ट आते हैं बच्चों फैकल्टेटिव फैकल्टेटिव सेप्रोट्रॉप ठीक है फैकल्टेटिव क्या होगा देखिए ऑब्लिकेट में मैंने बताया कि सिर्फ और सिर्फ डेड ऑर्गेनिक मैटर से ही फूड ऑप्टेन कर रहे हैं फैकल्टेटिव में क्या होता है कि अगर डेड ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है तो ये नॉर्मली सेपरोट्रॉप्स की तरह बिहेव करेंगे एंड इफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इज नॉट प्रेजेंट देन दे कैन फीड ऑन लिविंग मैटर ऑल्सो ठीक है समझ में आ रही बात ओब्लीगेट में सिर्फ डिपेंड कर रहे हैं किस पे डेड पार्ट पे फैकल्टेटिव में अगर डेड पार्ट अवेलेबल है तो ये डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करेंगे एंड इफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इज नॉट प्रेजेंट देन दे कैन फीड ऑन लिविंग मैटर ऑल्सो ठीक है तो नॉर्मली क्या होते हैं बच्चों सेप्रोट्रॉफ होते हैं बट इन एब्सेंस ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर अगर डेड ऑर्गेनिक मैटर एब्सेंट है तो ये पैरासाइट भी बन जाते हैं पैरासाइट होता है जो लिविंग पे फीड करता है ठीक है तो दे कैन बिहेव एज पैरासाइटिक आल्सो इसमें एग्जांपल आ जाता है आपका सूडोमोनाटेलोकोक आई थिंक ये दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे बच्चों अच्छे से ठीक है नेक्स्ट मूविंग टू अनदर मोड ऑफ न्यूट्रीशन दैट इज पैरासाइटिक हिट्रोट्रॉफ्स में सेकेंड जो आता है आपका वो आता है बच्चों पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इस पैरासाइटिक के केस में क्या होता है जो फूड ऑप्टेन हो रहा है वो किससे हो रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म से ठीक है अब देखिए ऑब्लिगेट का क्या मतलब है दैट मीन्स दे ऑलवेज रिमेन पैरासाइट ये हमेशा लिविंग मटीरियल से ही फूड ऑप्टेन करते रहेंगे फैकल्टेटिव मीन्स अगर लिविंग मैटर प्रेजेंट है देन इट्स फाइन तो ये अगर उनके पास कोई दूसरा होस्ट जो ऑर्गेनिज्म है जिसमें वो सरवाइव कर रहे हैं जैसे हमारे केस में क्या होता है ह्यूमन बींग्स में कई डिजीज होती है तो कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर अफेक्ट करते हैं वो परमानेंट हमारी बॉडी में ही रहते हैं ठीक है अगर परमानेंट हम लोग अगर होस्ट की बॉडी अवेलेबल नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म अवेलेबल नहीं है तो क्या करेंगे किसी दूसरे मेथड से अपना फूड ऑप्टेन करेंगे तो इस तरह के जो और बैक्टीरिया हो गए वो क्या होगा फैकल्टेटिव के केस में क्या होगा कि वो हमेशा होस्ट की बॉडी में ही रहेंगे होस्ट होता है जिस ऑर्गेनिज्म में वो सर्वाइव कर रहे हैं ठीक है तो अगर उनके पास होस्ट अवेलेबल है तो तो वो होस्ट की बॉडी में सर्वाइव कर रहे हैं अगर होस्ट अवेलेबल नहीं है तो वो सेप्रोट्रॉफ्स की तरह दैट मीन्स डेड पार्ट पे भी फीड करना शुरू कर देंगे तो इस तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं वो कहलाते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइटिक और जो ऑब्लीगेट हो गया वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग होस्ट में ही सर्वाइव करेगा तो ये क्या हो गया माइको जो लेप्रोसी कोज करता है ठीक है फैकल्टेटिव वाले में एग्जाम्पल क्या आ गया आपका माइको बैक्टीरियम ट्यूबर क्लोसिस माइको बैक्टीरियम ट्यूबर क्लोसिस क्या होता है माइकोबैक्टीरियम मतलब ये बेचा टीबी कोज करता है ठीक है तो जो ट्यूबर क्लोसिस कोज कर रहा है ये माइको बैक्टीरियम ट्यूबर क्लोसिस अगर देखिए अगर होस्ट अवेलेबल है तो ये होस्ट की बॉडी में सर्वाइव करेगा एंड इफ होस्ट इज नॉट अवेलेबल तो क्या करता है डेड और डीके पे भी फीड करना शुरू कर देता है अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स के लिए ठीक है डिफरेंस क्लियर हो गया दोनों में नेक्स्ट देखिए सिम्बायोटिक सिम्बायोटिक का क्या मतलब बच्चों नाम से ही पता चल रहा है सिम्बायोटिक होता है म्यूचुअल ठीक है एक दूसरे के साथ शेयर करना तो कुछ कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो होस्ट की बॉडी में सर्वाइव कर रहे हैं तो खुद भी बेनिफिट ले रहे हैं और होस्ट को भी बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं ठीक है तो म्यूचुअल बेनिफिट हो गया तो वो कहलाते हैं बच्चों सिम्बायोटिक फॉर एग्जाम्पल इसके बहुत से एग्जाम्पल है आपने सुना भी होगा जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है नाइट्रोजन को फिक्स करता है एनवायरमेंट में से जो नाइट्रोजन होती है उसको यूजफुल कंपाउंडस में कन्वर्ट करता है ठीक है तो ये क्या कर रहा है राइजोबियम ये प्लांट को तो नाइट्रोजन फिक्स करने में हेल्प कर रहा है उसको नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहा है प्लांट को दूसरा ये क्या कर रहा है दूसरा क्या कर रहा है खुद के लिए शेल्टर ले लिया इसने प्लांट्स में और प्लांट्स से जो फूड ऑप्टेन हो रहा है ये उसको यूज कर रहा है ठीक है तो ये क्या करता है कन्वर्ट एटमोस्फेयरिक नाइट्रोजन एटमोस्फेयर की जो नाइट्रोजन होती है उसको यूजफुल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है ताकि प्लांट उसको यूटिलाइज कर सके वो यूजफुल कंपाउंड क्या है जैसे अमीनो एसिड हो गया नाइट्राइट हो गया सोल्ट हो गए अमोनिया के ठीक है तो इनके एग्जाम्पल क्या हो गए राइजोबियम एंड फ्रेंकिया आई होप ये क्लियर हो गया होगा हो आपको सिम्बायोटिक ठीक है बच्चों तो ये क्या थे हमारे कुछ एग्जाम्पल्स थे न्यूट्रिशन के कि किस तरह से न्यूट्रिशन ऑप्टेन होता है किस तरह से फू प्ला जो बैक्टीरिया हैं वो अपने फूड ऑप्टेन करते हैं इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आता है बच्चों आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं या आप मुझे मैसेज कर सकते हैं ठीक है अभी ये जो नोट्स नोट्स की पी है मैं वो अभी ग्रुप में भेज दूँगी अपना वर्क कम्प्लीट कीजिए और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं आपकी बुक में और एन की थोरोली रीडिंग करनी है बच्चों लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड आप पढ़ेंगे अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं ठीक है तो आज हमने क्या पढ़ा है न्यूट्रिशन इन केस ऑफ बैक्टीरिया नेक्स्ट इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन कैसे होता है uh, जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है बैक्टीरिया किस तरह से अपनी प्रोजन अपना नंबर इंक्रीज करता है ठीक है दैट्स ऑल फॉर टूडे थैंक यू स्टूडेंट्स